दोस्तों, देश के रेल यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, 8 अप्रैल को एक ही दिन पीएम मोदी दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वो दिन में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को और शाम में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इन दोनों ट्रेनों के चलने से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा देश के अन्य रेल यात्रियों को फायदा होगा। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश की धार्मिक नगरी तिरुपति के बीच चलेगी, जहां तीर्थयात्री भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने जाते हैं। इस ट्रेन के चलने से दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में करीब 3.5 घंटे की कमी आने की उम्मीद है। नई ट्रेन का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को यात्रा में आसानी और सुविधा प्रदान करना है। तेलंगाना से चलने वाली यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इससे पहले 15 जनवरी को पीएम मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच करीब 661 किलोमीटर की दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। ये गाड़ी मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलेगी। अभी एवरेज स्पीड 77.73 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हैदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नलगोंडा, गुंटोर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशन पर रुकेगी। हालांकि उद्घाटन पर चलने वाली ट्रेन नलगोंडा, मिर्यालगुडा, पिदुगुराला, गुंटूर, चिराला, ओंगोल, तेनाली, बापटला, नेल्लोर और गुटूर स्टेशन पर रुकेगी। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से सुबह 6 बजे चलेगी, जो नलगोंडा 7:19 पर पहुंचेगी, गुंटूर 9:45 पर, ओंगोल 11:09 पर, नेल्लोर दोपहर 12:29 पर और तिरुपति दोपहर 1:30 पहुंचेगी। तिरुपति से ये ट्रेन 3:15 पर निकलेगी, नेल्लोर 5:20 पर पहुंचेगी, ओंगोल 6:30 पर, गुंटूर 7:45 पर, नलगोंडा 9:10 पर, सिकंदराबाद 10:45 पर पहुंचेगी। सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टिकट की कीमत 1,150 रुपए से शुरू होती है। भारतीय रेलवे की ओर से अभी तक सटीक किराया घोषित नहीं किया गया है। टिकट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर बुक किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। ये चेन्नई से चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी ने चेन्नई से मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नई वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच होंगे, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव कोच शामिल होगा। कुल मिलाकर ट्रेन में 530 लोग सवार होंगे। ट्रेन 6 घंटे 10 मिनट में 495 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और तिरुपुर, इरोड और सेलम स्टेशन पर रुकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से बनारस के बीच चली, दूसरी ट्रेन दिल्ली से श्री वैष्णो देवी कटरा के बीच चली, तीसरी ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चलाई गई और चौथी नई दिल्ली से अंब अंदौरा स्टेशन हिमाचल के बीच चलाई गई। पांचवी वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई से मैसूर, छठी वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर, सातवीं ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, आठवीं वंदे भारत सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम और नौवीं मुंबई से सोलापुर और दसवीं मुंबई से शिरडी के बीच और 11वीं वंदे भारत हाल ही में भोपाल से दिल्ली के बीच चलाई गई। दो और नई ट्रेनें आज पीएम मोदी ने उन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है और अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कुल संख्या 13 हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।